रिसेंटली मोहम्मद मुजू के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है जहां पर ये कहते हैं कि ना ही तो ये ना ही इनके पॉलिटिकल पार्टी कभी भी इंडिया आउट पॉलिसी को फॉलो किए थे। क्या होता है इसका मतलब? तो पिछले साल सितंबर के महीने में मालदीव्स में चुनाव होते हैं, जिसके बाद मालदीव को इनका नया प्रेसिडेंट मिलता है मोहम्मद मुजू के नाम से। अगर आप मोहम्मद मुजू का इलेक्शन कैंपेन को देखेंगे तो पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान इनका सिर्फ फोकस इसी बात पे था कि ये बढ़ चढ़कर भारत को अब्यूज करें, क्योंकि मोहम्मद मुजू के पूरे इलेक्शन कैंपेन को पॉसिबली हर तरीके से चाइना फंड किया था या मदद किया था। और जैसे ही मोहम्मद मुजू प्रेसिडेंट बनते हैं, वैसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को करना शुरू कर देता है। क्योंकि चाइना जैसा बड़ा देश मोहम्मद मुजू को फंड किया था, तो इनका जो कॉन्फिडेंस था वो सातवें आसमान पे था। और इसी इलेक्शन कैंपेन के दौरान ये बहुत कुछ कहते हैं जो शायद इनको नहीं कहना चाहिए था। यहाँ पे एक लेसन जो हमारे लिए सीखने के लिए वो ये है कि अगर कोई भी देश आपको मदद करता है प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो उस देश के भी कुछ अपने इंटरेस्ट होंगे। और आज के डेट में मोहम्मद मुजू उस पोजीशन पे आ गए हैं जहां पे चाइना के द्वारा जो मदद था उसको अब पे बैक करना है। और जहां तक बात किया जाए चाइना के बारे में स्पेसिफिकली, तो चाइना बहुत ही फेमस है अपने डेट ट्रैप पॉलिसी को लेकर, जहां पे चाइना बहुत ही केयरफुल तरीके से उन सब देशों को लोन देता है जिसके बारे में वो ऑलमोस्ट 90% श्योर होता है कि वो कभी भी उनको लोन वापस नहीं करेगा। तो जब चाइना लोन देता है तो कुछ टर्म्स कंडीशन को सेट करता है अपने हिसाब से, और उसके बाद वो सारे जब छोटे मोटे देश लोन देने में डिफॉल्ट कर जाते हैं तो चाइना स्लोली एंड ग्रेजुअली उनके देश को कैप्चर करना शुरू कर देता है और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। साथ में एज पर मीडिया रिपोर्ट या बहुत सारे जो एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि चाइना जब लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट रेट सम अराउंड 7 से लेकर 10% के आसपास वो फिक्स करता है, जो अमाउंट अपने आप में बहुत ही ह्यूज हो जाता है। क्योंकि अब मालदीव्स को चाइना के द्वारा जो फेवर था उसको वापस करना है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली अब मालदीव्स भारत के तरफ रुख कर रहे हैं, जहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत के साथ जो संबंध है उसको नॉर्मल किया जाए। पिछले साल के नवंबर दिसंबर के महीने से लेके इस साल के ऑलमोस्ट मार्च तक भारत और मालदीव्स के बीच में संबंध बेहद खराब हो जाते हैं, जहां पे मालदीव्स के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपने पीएम मोदी के बारे में कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं जो शायद उनको नहीं देना चाहिए था। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कुछ अपने पीएम मोदी लक्षद्वीप जाते हैं, जहां पे वो इनडायरेक्टली भारत के लोगों से कहते हैं कि आप लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। ये अपने आप में एक इनडायरेक्ट इशारा था, जहां पे पीएम मोदी कहना चाह रहे थे कि आप मालदीव्स ना जाके लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है उसको प्रमोट करें। कुछ होता भी ऐसा ही है, जहां पे भारत के लोग बढ़ चढ़कर अपने मालदीव्स के टिकट को कैंसिल करते हैं और लक्षद्वीप की तरफ जाते हैं। इसका इम्पैक्ट इतना मैसिव होता है कि हम कह ले कि लगभग विद इन 10 days मालदीव्स को समझ में आ गया था कि किसी भी तरीके से वो भारत को नाराज करके अपने इकोनॉमी को नहीं चला सके हैं। जहां तक बात किया जाए मालदीव्स के बारे में, तो ऑलमोस्ट इनका जो इकोनॉमी है वो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, जहां पे सम अराउंड 30 से लेकर 35% जो लोग मालदीव्स जाते हैं वो भारत से होते हैं, और लगभग कुछ यही फिगर चाइनीज ट्रेवलर्स का भी है मालदीव्स में। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ये नहीं चाहेगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनते ही उस देश की जो इकोनॉमी है वो क्रम्बल कर जाए। तो इसीलिए लगभग हम कह लें कि मार्च और अप्रैल के आसपास से मोहम्मद मुजू का जो भारत को लेकर रवैया था वो काफी सॉफ्ट होना शुरू हो गया था। और जब मालदीव्स के जो मिनिस्टर्स थे, जब वो पीएम मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप कह रहे थे, उस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा जो कुछ भी कहा गया था वो काफी रिस्पॉन्सिबल तरीके से कहा गया था। शायद उनको ये अंदाजा हो गया था कि जो मालदीव्स के मिनिस्टर हैं वो हीट ऑफ द इमोशन में कह रहे हैं। और अगर हम आज के बारे में बात करें तो मोहम्मद मुजू भारत आने वाले थे और इनका जो प्लान था वो इसी महीने को भारत विजिट करने को था, लेकिन क्योंकि पीएम मोदी और मोहम्मद मुजू का जो शेड्यूल है वो मैच नहीं कर पाता है, तो इसीलिए सितंबर के महीने में मोहम्मद मुजू भारत नहीं आते। इसीलिए जो एज पर मीडिया रिपोर्ट है इसके हिसाब से ये कहा जा रहा कि मोहम्मद मुजू अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में भारत आएंगे, जहां पे ये पीएम मोदी से मिलेंगे। क्योंकि मालदीव हमारा इमीडिएट पड़ोसी है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल देश यही सोचता है या चाहता है कि वो अपने जो पड़ोसी देश है उनके साथ संबंध को अच्छे करे। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत के द्वारा कुछ रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं मालदीव को, और उसको ऑपरेट या मेंटेन करने के लिए वहां पे हमारे लगभग 80 से लेकर 90 फोर्सेस होते हैं, जो कि मेजरली आपके मेंटेनेंस ऑफिसर्स रहते हैं। उन सबको लेके मालदीव का ये
ये कहना होता है कि ये सारे जो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफिसर हैं, ये डिस्गाइज फॉर्म में भारत के इंटेलिजेंस है, जिनको कि मालदीव कहता है कि आप हमारे देश से निकल जाएं। एज अ रिजल्ट होता भी यही है कि भारत अपने सारे जो मेंटेनेंस के ऑफिसर्स होते हैं उसको बुला लेते हैं। अब क्योंकि मोहम्मद मुजू को चाइना के द्वारा सपोर्ट किया गया था और उस सपोर्ट का बहुत बड़ा असर पड़ता है मोहम्मद मुजू के प्रेसिडेंट बनने में, तो जैसे ही मोहम्मद मुजू ऑफिस संभालते हैं वैसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो चाइना को दिया जाता है। और चाइना मोहम्मद मुजू को सपोर्ट भी इसीलिए किया था क्योंकि लगभग एक साल हो चुके हैं मोहम्मद मुजू के प्रेसिडेंट बने हुए, तो कहीं ना कहीं अब जो चाइना का प्रेशर है या डिमांड है वो बढ़ता जा रहा, और उस बढ़ते हुए डिमांड को देख के मोहम्मद मुजू बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि सफोकेटेड फील कर रहे हैं, तो इसीलिए भी ये भारत के करीब आना चाहते हैं जहां पे ये एक एक्ट ऑफ बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं। और जहां तक बात किया जाए चाइना का इन्फ्लुएंस के बारे में मालदीव्स में, तो यहां पे एक चीज जो हमें समझना है वो ये है कि आखिर में चाइना क्यों इन सब देशों के ऊपर कंट्रोल कर पाता है। तो अगर आप बहुत ही आसान शब्दों में समझना चाहेंगे तो चाइना बढ़ चढ़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इतना ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है या फोकस करता है कि चाइना के पास ऑफर करने के लिए बहुत कुछ होते हैं। भले हमारे चाइना के साथ संबंध अच्छे नहीं है लेकिन आप किसी भी तरीके से जानबूझकर चाइना का बुराई नहीं कर सकते हैं। और जहां तक बात किया जाए चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बहुत ही बड़ा कब्जा है, और चाइना वहां से भर भर के जो नेचुरल मिनरल्स वगैरह है उसको एक्सपोर्ट कर रहा और उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल चाइना दोबारा से फिनिश गुड बनाने में कर रहा। अगर हम एक एग्जांपल की मदद से समझना चाहें कि चाइना किस तरीके से सामने वाले देश को डोमिनेट करता है या उसको अधिक ऑफर करता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, तो अगर हम साल 2018 के बारे में बात करेंगे तो चाइना मालदीव्स को 488 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है, वहीं पे भारत कुछ 287 मिलियन ही कर पाता है। तो यहाँ पे जो एक समझने वाली बात है या जो हार्श रियलिटी है वो ये है कि जब तक कोई भी देश बढ़ चढ़कर अपने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं करेगा या अलग अलग सेगमेंट को इम्प्रूव नहीं करेगा, तब तक आप भले ये कहते रह जाएं कि चाइना डेट ट्रैप पॉलिसी को फॉलो करता है, तो ऑलमोस्ट सभी देश के पास अपने अपने स्ट्रेटजी होते हैं अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत कम देश होते हैं जो अपना विस्तार कर पाते हैं या अपने आप को उस तरीके से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं दूसरे देश को जिस तरीके से चाइना कर रहा। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ईमेल करके बताएं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। टेक केयर। गुड बाय।